हमने वो दौर भी देखा युवा होते होते सर, कि रोज कहीं ना कहीं किसी शहर में बम ब्लास्ट नहीं, सीरियल ब्लास्ट होते थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूरे कोने कोने में ब्लास्ट, बेंगलुरु में, जयपुर में, आपके लखनऊ में, हर शहर में ब्लास्ट। और आतंकी पकड़े तो जाते थे, सजा नहीं हो पाती थी, पुलिस उन्हें सजा दिला नहीं पाती थी। हमने वो दौर देखा कि किस तरह से बेरोजगारी का आलम क्या था, फर्क किस कदर बदला है इस 9 साल में। आज प्रधानमंत्री खुद जब बागडोर संभालते हैं तो आज उन्होंने परत दर परत कांग्रेस के उन एजेंटों को, रवीश कुमार जैसे दलालों को, खिलाड़ियों को आज पूरी तरह से नग्न किया गया। हम आपके साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे, 9 साल में ये क्या कुछ बदला, पाकिस्तान कैसे इस 9 साल में बर्बाद हुआ, उसकी उसमें किस कदर से हमारी सरकार, हमारी इसमें पूरी व्यवस्था की भूमिका है। वो पाकिस्तान जो जिहादी, हमारे यहाँ जिहादी उन्मादी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाता था, आज भूखे नंगों का देश हो चुका हुआ है, एक एक किलो आटे के लिए तड़प रहा है। उसका पूर्व प्रधानमंत्री कुत्ते की मौत मारा जा रहा है, आज उसके एक भैंसा टाइप के मंत्री को हमने सुप्रीम कोर्ट में जो देखा वो वीडियो हम साझा करेंगे। पाकिस्तान में ये बदलाव, ये बर्बादी का जो दौर है इन जिहादियों का, उसमें कैसे मोदी के इस 9 साल की सत्ता की भूमिका है, इसे बारी बारी से आपसे समझना है सर। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले मुझे लगता है वो इंटरेस्टिंग वीडियो ही सर साझा कर दूं, मुझे लगता है कि वो बहुत मजेदार होगा, तो वो सबसे पहले देखा जाए कि कैसे पाकिस्तान का ये भैंसा टाइप का जो मंत्री था, ये उल जुलूल बयान देता था सर। इसका नाम फवाद चौधरी है, ये वीडियो पे लोगों को दिख रहा होगा, ये भैंसा जो है आज भागा तो देखिए कैसे हांफ रहा है। ये मंत्री है, ये पाकिस्तान का पूर्व मंत्री इमरान खान के समय में, आप देखे होंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इसके पास था, उल जुलूल बयान दे रहा है कि कैसे भाग रहा है, ये भाग रहा है पुलिस के डर से, पंजाब पुलिस के डर से। हाँ, जो और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गया सर, अदा मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के अंदर घुस गया, नजदीक में कोर्ट थी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लिए कहा था कि अदालत के अंदर उसे गिरफ्तार किया गया, इसीलिए जमानत दे दी गई, तो इसे लगा कि कोर्ट में घुस जाएंगे तो बच जाएंगे, कल ही से जमानत मिली थी। लेकिन पुलिस ने जो ही इसने पुलिस को देखा, देखिए कैसे भैंसा भाग रहा। सर इन लोगों ने मजहब के आधार पर एक देश मांगा था, हिंदू मुसलमान दो अलग कौम है, हम साथ नहीं रख सकते, और हमारी मातृभूमि का, हमारे भारत का जो सबसे उपजाऊ भूमि है वो हिस्सा इनके कब्जे में चला गया, पूरी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी चीजें चली गई, महाभारत काल का पूरा इतिहास का पंडित पन्ना चला गया, मां दुर्गा के अंग का एक हिस्सा वहां पर है, और इन पापियों ने आप जो देश लिया उसका आलम ये देखिए कि ये सब आपस में मर कट रहे हैं। सर इन्हें कौन सा डर आज हिंदुओं का है, मुझे लगता है कि शुरुआत हम लोग विश्लेषण से इस बदलाव में यहीं से समझे कि कैसे पाकिस्तान की ये स्थिति हुई जो हमारे और आपके दौर में हमने देखा नहीं है, और आज ये जिहादी उन्मादी इसी पाकिस्तान का सपना देख रहे हैं। सर मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि ये जो इसको आप दिखा रहे हैं, जिसका वीडियो है फवाद चौधरी, ये पाकिस्तान का आशुतोष है, ये पाकिस्तान का रवीश कुमार भी है, ये दर्शक जान लें। ये नेतागिरी में तो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का आशुतोष, इसको ज़्यादा कहना बेटर होगा। ये न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर हुआ करता था, एंकर हुआ करता था, बैठ के परपंच करता था, भारत के खिलाफ जहर उगला करता था और बड़ा निष्पक्ष बना रहता था। ये अमन की आशा, जो भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो एक गैंग चलता था खैरातियों का, तो ये पाकिस्तान का बड़ा 5-स्टार खैराती हुआ करता था। और ये बाद में जब इमरान खान आए तो ये इमरान खान की पार्टी में शामिल हुआ, ये मंत्री बना। उससे पहले दर्शक को संभवतः नहीं ध्यान होगा कि बता दूं कि जब भारत की नौसेना ने एक वो पनडुब्बी उड़ा दी थी गुजरात के तट पर, जो बारूद से भरी हुई थी, जिसके खिलाफ यहाँ के खैराती वो कौन प्रवीण साहनी और करण थापर ये सब आग उगल रहे थे, कह रहे वो तो व्यापारिक नौका थी। तो इसी के चैनल पर जाके वो इंटरव्यू दे रहे थे और यही था, यही एंकर हुआ करता था। तो आज इसकी यह गत हो गई है, ये नेतागिरी में कूदा बाद में इमरान खान के साथ आ गया, और ये जो मनीष जी दिखा रहे हैं तो इसकी हालत ये आ गई है। और इसकी हालत क्यों आ गई है मनीष जी, ये आज खाली पुलिस के पकड़े जाने के डर से नहीं भाग रहा था,
अब पाकिस्तान में असली खेल, जिसकी मैं 2-3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, वो खेल अब शुरू हो रहा है कि आज पाकिस्तानी फौज ने कह दिया कि वो वहां पे देखिए, वहां पर भी जजों का खेल चल रहा है कि जो आदमी खुलेआम तोशाखाना वाला केस सब जानते हैं इमरान खान का, कि खुलेआम उसने लेके जमा वहां से सामान खरीद के बाहर मार्केट में बेच दिया, घड़ियां बेच दी, अंगूठियां बेच दी, जो सलमान सऊदी सऊदी के अरब सऊदी अरब के सलमान उसने दी थी, जो वहाँ के प्रिंस हैं, और उस वो चीज़ें सब सामने आई, इसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद वो कोर्ट कह रहा कि नहीं 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 अभी इनके ऊपर कोई आप कार्रवाई नहीं कर सकते, इनको जमानत देनी पड़ेगी, इनको पकड़ नहीं सकते। तो खुलकर वहाँ पे, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुलकर इमरान के साथ खड़ा है, क्योंकि वहाँ भी एक अलग खेल चल रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, दर्शक समझ रहे होंगे। तो आज वहाँ की सेना ने एक और घोषणा की है मनीष जी, उसी लिए कुत्ते की तरह डर के भाग रहा था। सेना ने कहा कि अब इमरान खान पे और उसके साथियों पे हम ये सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट में नहीं, अब उसका कोर्ट मार्शल होगा, ये जो आग आगजनी हुआ है, यानी सेना की अदालत में अब उस पर मुकदमा चलेगा, वहां पे इनका फैसला होगा, और ये चाहे जितना भागे 1-2 दिन में पकड़ में आ जाएंगे। और कुल मिला के इसका पूरा सार ये है कि पाकिस्तान में जबरदस्त गृह युद्ध की स्थिति है, और ये गृह युद्ध टलने वाला नहीं है, ये आपस में भी आग लगेगी। उसने कहा कि कुछ सेना के अधिकारियों का भी कोर्ट मार्शल होगा, तो समझिए वो पाकिस्तान एकदम इस कगार पर आकर पहुंच गया है। और वो जो आज आज का दिन, जो अभी मनीष जी ने बात की, जो आज हम लोग का मुख्य विषय है कि आज जो 9 मई है, 16 मई जो है, ये भारत स्वतंत्र भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण तिथि है मनीष जी। ये जो आज हम पाकिस्तान में अपने दुश्मन की हालत देख रहे हैं कि वो चूहों की तरह भाग रहे हैं, जो वो लोग जो नेतागिरी करते थे, मैंने इसके लिए इसीलिए खास करके जिक्र किया, आज आ गया इसका वीडियो कि ये फवाद चौधरी वहाँ की मीडिया का सरगना हुआ करता था। कितना बड़ा सरगना था आप समझ सकते हैं कि इमरान खान की कैबिनेट में ये कैबिनेट मिनिस्टर था, और इस समय ये सबसे खास बना हुआ है। तो ये इन लोगों की, इमरान खान की क्या स्थिति, वो अभी आपको कोर्ट मार्शल लगने दीजिए, उसके बाद आप सामने आ जाएगा कि ये जो 9 आज से 9 साल पहले इस देश की जनता ने जो फैसला किया था वो ऐतिहासिक फैसला था, और वास्तव में इस भारत का भाग्य पलट गया था, करवट बदली थी भारत के बारे में। सर और सर ये उसपे आने से पहले मुझे लगता है कि इसी से जुड़े हुए फैक्ट जो त्र्यंबकोर में हुआ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे वहां हुआ, जो मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी का प्रकरण हुआ, इसलिए इससे पहले हम लोग वहां पहुंचने से पहले इस पे चर्चा करें कि पाकिस्तान की बर्बादी दिख रही है। तेरा मेरा रिश्ता क्या के नाम पर इन लोगों ने पाकिस्तान लिया, और यहाँ के जिहादी उसी पाकिस्तान का सपना देख रहे हैं जहां फवाद चौधरी कुत्ते की तरह भाग रहा है, जहां इमरान खान सुअर बना हुआ है, जहां पूरी तरह से पूरा पाकिस्तान एक 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 किलो आटे के लिए तरस रहा है, और यहां के जिहादियों का वो सपना था। आज भी जब कर्नाटक में जीत हुई है कांग्रेस की, तो वो कह रहे हैं कि हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, हमने जिताया है, हम जिहादी जो है हम जिहादियों ने तुम्हें जिताया है। ये कर्नाटक की बात हो, केरला द केरला स्टोरी आपने देखी है, उसकी वानगी आज मध्य प्रदेश में दिखा। तो ये उन्मा पाकिस्तान की बर्बादी देखने के बाद भी पाकिस्तान बनाने का सपना आज भी देखा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इन जिहादियों को अब डाइट किया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं ये जिहादी उन्मादी। नहीं, पाकिस्तान से सीखने लायक है क्या मनीष जी? पाकिस्तान तो एक पागलपन था, धर्मांधता का, कट्टरपंथ का, हिंदू विरोध का, उस पागलपन में वो बना था। तो ये उससे वो पागलपन सीख रहे हैं। जो जो पाकिस्तान का मेन एसेट है, पागलपन, धर्मांधता और कट्टरता, और प्लस उसमें आतंकवाद का एक तड़का और लगा हुआ है। तो ये पाकिस्तान से सीखने के लिए सिर्फ एक यही चीज, सतीश जी का जी 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 आ रही है उससे वही धर्मांधता, कट्टरता, आतंक सीख रहे हैं, वही वही इनकी हजारों साल की नस्ल रही है। वो उठाकर एक बार हम पहले जिक्र कर चुके हैं, चाहे बाबर से औरंगजेब से शुरू कर लीजिए, वो ये उसी का अनुरूप आचरण कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये आया है कि अब मनीष जी छोटी छोटी घटनाएं भी जो है वो उसी तरह से इनको तिल मिलाने बिल मिलाने के लिए मजबूर कर रही हैं। जब ये जैसे उस सांप के बिल में पानी घुस जाता है, उस तरह से वो घुस रहे, सांप बड़बा बिल्कुल बिलबिलाता हुआ निकलता है, उस तरह से निकल कर अब सामने आ रहा है, ये उस तरह से निकल कर सामने आ रहा है।